नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा, और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। गुरुग्राम मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। आपको दिखाते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर को। तो गुरुग्राम में अहिर रेजिमेंट के भारतीय सेना में गठन को लेकर के अहिर समाज की तरफ से अनिश्चितकालीन धरना टोल प्लाजा पर शुरू हुआ है। धरने पर बैठे लोगों ने साफ कर दिया है कि जब तक भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन नहीं होता है, उनका धरना जारी रहेगा। दरअसल पिछले काफी समय से अहिर रेजिमेंट का भारतीय सेना में गठन की मांग को लेकर अहिर समाज की तरफ से ज्ञापन सौंपने के साथ साथ धरना हो रहा है। अहिर समाज का कहना है कि उनकी मांग पिछले काफी समय से लंबित है और हरियाणा ही नहीं बल्कि तो अनिश्चितकालीन धरना अहिर समाज के द्वारा इस समय चल रहा है और भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग की जा रही है, और यह कहा जा रहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है तब तक उनका धरना जारी रहेगा। तो पिछले काफी समय से अहिर रेजिमेंट का भारतीय सेना में गठन की मांग को लेकर के अहिर समाज के लोगों के साथ हमारे संवाददाता संजय राठौर ने खास बातचीत की है, सुनिए। लेकिन आज से अहिर रेजिमेंट हक लेने के लिए यादव समाज के जो लोग हैं आज उन्होंने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए, और तमाम देश के अलग अलग हिस्से से यहाँ यादव समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और हवन कर कर इसकी शुरुआत आज से की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अन्य जो कम्युनिटी है उनकी रेजिमेंट बनी है फौज में, और इसी के चलते अब अहिर रेजिमेंट की मांग जोरों शोरों से उठाई जा रही है, और इससे पहले भी धरना प्रदर्शन किए गए हैं यादव समुदाय के तरफ से, लेकिन अब लगातार अनिश्चित जो धरना प्रदर्शन है वो आज से गुरुग्राम के खेड़की दोला जो टोल टैक्स है वहाँ से उसकी शुरुआत कर दिया। कुछ लोग यहाँ पहुँचे हैं तो मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा, कब से आपकी ये मांग चली आ रही है अहिर रेजिमेंट की? ये लंबे वर्षों से हमारी मांग चली आ रही है, और अहिरवाल की अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र सैनिकों का क्षेत्र है, और देश की चाहे सीमा की बात हो, चाहे रक्षा की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, सबसे ज़्यादा बलिदान देने वाली कौम है तो वह अहिरों की कौम है, और उसी कौम को आज अपनी अहिर रेजिमेंट बनवाने के लिए इस तरह लगातार प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो हमारी प्रदेश की सरकार से भी और देश की सरकार से भी ये निवेदन, ये प्रार्थना है, और हम छत्तीस बरादरी से भी अपील करते हैं कि अहिर रेजिमेंट बनवाने में वो हमारा समर्थन करे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं देश के अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, और जो अहिर रेजिमेंट की जो मांग है उसको जोर जोर से यानी कि लोगों तक और सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो या तमाम जो अधिकारी हैं उन तक ये ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन अब से इन्होंने जो अनिश्चित धरने की बात कही है, अब इसके बाद देखना यह होगा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अब इनकी मांग मानती है या नहीं। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। तो सोहना में नौकरी से निकाले गए एलडीसी के फैसले के विरोध में अब बिजली कर्मचारियों ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। बिजली कर्मचारियों ने इस मुद्दे को लेकर के 21 फरवरी को आक्रोश प्रदर्शन करेंगे। यूनियन के नेताओं ने बताया है कि कर्मचारियों की लंबित मांग और 12 सब डिवीजन को निजी हाथों में सौंपने के प्रयासों के खिलाफ बिजली कर्मी अब एकजुट होकर पूरी तरह से सरकार और विभाग की खिलाफत करेंगे। इसको लेकर के सोना सब डिवीजन में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन की 1 जून से राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा, और इस बैठक में प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की गई है। बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार 21 फरवरी को कर्मचारी चीफ इंजीनियर गुड़गांव ऑफिस पर आक्रोश प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले 17 फरवरी को जोन के सभी डिवीजन में कर्मचारी विरोध गेट पर मीटिंग का आयोजन करेंगे। इससे पहले चीफ इंजीनियर को आंदोलन का नोटिस भी भेज दिया जाएगा। बैठक में सर्वसम्मति से केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं कर्मचारी संघ के आह्वान पर 28 और 29 मार्च को आयोजित राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बढ़ चढ़कर शामिल होने का फैसला लिया गया। मीटिंग का उद्देश्य ये है कि जो बिजली निगम मैनेजमेंट है जी, बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं जी, लेकिन उन पदों को भरने की बजाय सब डिवीजनों को ही प्राइवेट हाथों में देने का फैसला करने जा रही है। फरीदाबाद गुड़गांव की लगभग 1 दर्जन सब डिवीजनों को
ये प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो प्राइवेट आप कर रहे हो, आप स्टाफ की भर्ती क्यों नहीं कर रहे हो? दूसरा, आप देखेंगे स्टाफ की हमारे पास बहुत भारी कमी है, आवश्यक संसाधन नहीं है, लिफ्टर जो है खड़े हुए हैं, ड्राइवर नहीं है, रोज लोडिंग अनलोडिंग का काम है ट्रांसफार्मर का, लेकिन हमारे पास क्रेन नहीं है, T&P जो काम करने का औजार नहीं है। लेकिन इसकी पूर्ति करने की बजाय राइट टू सर्विस एक्ट, समयबद्ध सेवाएं देने के नाम पर कर्मचारियों के उत्पीड़न किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, बेहतर सुविधाएं कौन देगा? कर्मचारी, लेकिन भर्तियां नहीं हो रही है। तो इसके साथ ही जो चीफ इंजीनियर दिल्ली हैं, उनको मांग पत्र दिया हमारी नेगोशिएशन कमेटी ने, वार्ता कमेटी जो चीफ इंजीनियर लेवल की है, लेकिन उनका रवैया कोई सकारात्मक नहीं है, कर्मचारियों के पक्ष का नहीं है, उन मांगों का समाधान। तो सोना में बदमाशों के हौसले पूरी तरह से बुलंद है। बदमाशों में दूर दूर तक पुलिस का खौफ नहीं है। बदमाशों के हौसले का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने पंजाब नेशनल बैंक के ATM को उखाड़ने का प्रयास किया है। बदमाश टाटा 407 में सवार होकर आए, लेकिन ATM में लगे हूटर के बच जाने से आसपास से लोग जाग गए और फिर लोगों ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर बदमाश मौके से भाग निकले। इस वारदात के बाद लोगों ने बार बार पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस का कोई भी आला अधिकारी एक घंटे तक मौके पर नहीं पहुंचा। बैंक का कोई अधिकारी इस वारदात की सुध लेने तक नहीं आया। इस मामले में लोगों में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ भी भारी आक्रोश व्याप्त है। तो 5 बजे उठ के देखा तो मेरा कैमरा भी तोड़ रखा है, बाकी CCTV फुटेज में निकाली तो उसमें 8-7 बंदे थे, टाटा 407 से आए थे और उन्होंने चटपटा वगैरह तोड़ा और उसके बाद उन्होंने बैग लगा के मशीन को तोड़ने की कोशिश की, पर वो भाई साहब हमारे उठ गए तो उन्होंने शोर मचाया, उसके बाद वो भाग गए। 3 बजे मैं उठा, बाहर आया वॉशरूम करने के लिए, तो जाके मैं अंदर वापस लेट गया। थोड़ी देर बाद मुझे आवाज आई नीचे से, ATM के अंदर कुछ दिन पहले ये जो सायरन लगाया है इन्होंने, अगर कोई भी उसमें छेड़खानी करता है तो उसमें हूटर बजने लगता है। तो मैंने थोड़ी 10-15 मिनट बाद मुझे आवाज सुनाई दी, मैंने लगा कि, और उसके साथ कुछ आदमियों की भी आवाजें आ रही थी, मैंने सोचा कि सुबह लोग घूमने निकलते हैं तो उनकी आवाजें आ रखी होगी। बट थोड़ी देर बाद जब उन्होंने मशीन को टच किया, तो मशीन को जब टच करते हैं तो जो सायरन होता। तो आने वाले दिनों में गुड़गांव में 5 से 9 फरवरी तक मौसम खुश्क रहने की संभावना है। अगले 48 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और उसके बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। 5 फरवरी को घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को यह सलाह है कि आलू में पछुएता झुलसा रोग की निरंतर निगरानी करते रहें और प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने पर कैप्टॉन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। तो 5 से 9 तक मौसम खुश्क रहने की संभावना है और इसलिए अब किसानों को भी आलू की फसल पर खास ध्यान देने के लिए कहा गया है और अगर कोई शुरुआती लक्षण दिखता है तो उसमें दवा का छिड़काव करते रहें। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार गुरुग्राम में पश्चिम विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव संभावित है। हवा की गति सामान्य से अधिक रहेगी और अगले 2 दिन तक तापमान में कोई भी बदलाव दर्ज नहीं। तो गुरुग्राम के रिठौज गांव में हुई व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। मृतक संजय ने आरोपी को गाली दी और इसी बात पर उसने उसको मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी फरार था। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती ये थी कि आखिरकार संजय की हत्या क्यों की गई है, क्योंकि संजय की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। इस मामले का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने टीम का गठन किया, मामले की तफ्तीश शुरू की तो एक के बाद एक ये कड़ियां खुलती चली गई और मुख्य आरोपी गौरव को हिरासत में लिया गया। गौरव से जब पूछताछ हुई है तो उसने इस पूरी हत्या की वारदात को कबूल कर लिया है। ये कल सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि रिठौज की डानी में एक व्यक्ति की चोटें मार के किसी ने हत्या कर दी है, जिसके संबंध में भोंडसी पुलिस ने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और मृतक जो संजय था उसके भाई रणधीर के बयान पे FIR दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उसका भाई
शराब के पैसे लेके शाम को घर से गया था और वो वापस नहीं आया, लेकिन हम सो गए। सुबह पता चला कि वो मृत अवस्था में पड़ा था। तो उस संबंध में उसकी शिकायत पे हमने अननोन व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके और कार्रवाई की। इस इन्वेस्टिगेशन को इंस्पेक्टर राजेंद्र एसएचओ बोंडसी के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए, उसमें कोई भी क्लू ना होते हुए भी इसमें जिस आदमी ने हत्या को अंजाम दिया था वो गौरव पुत्र पुराड़ा पुत्र कमल सिंह रिठोज गांव का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया। और चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।